टीम नंबर 18 के गोकू ओपी यहाँ पे फाइट इनिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इनके हाथ में एक ग्रेनेड कुक हो रहा है जो कि जा रहा है टीम नंबर 6 के प्लेयर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देगा। एक और ग्रेनेड कुक कर रहे हैं गोकू ओपी एक बार फिर से। क्या ये ग्रेनेड, क्या ही बेहतरीन ग्रेनेड था गोकू ओपी द्वारा जो कि इनको नॉक आउट कर देगा। और वो ग्लिच से बाहर जा चुके हैं, पर यहाँ पर वो भी बहुत ही शानदार तरीके से ये किल सिक्योर ज़रूर कर लेंगे अपनी टीम के लिए। इनकी टीम के पास अभी 3 किल आ चुके हैं। टीम नंबर 6 के जिस बंदे को इन्होंने डॉट एचपी छोड़ा था, वो हील करके वहाँ अपने एक घर में अपने आप को सेफली पहुँचा चुके हैं। टीम नंबर 18 के 2 बंदे और टीम नंबर 6 का एक इकलौता बंदा फाइट के लिए एकदम रेडी है। गोकू ओपी एक और ग्रेनेड कुक कर रहे हैं। अगर ये ग्रेनेड फूटेगा तो टीम नंबर 6 का वो बंदा काफ़ी डैमेज हो सकता था, लेकिन टीम नंबर 18 के दोनों बंदे एक स्टार घुस रहे हैं टीम नंबर 6 के बंदे के ऊपर। और यहाँ पे VSS से स्पाइक ने फिनिश दे दिया है और यहाँ पे फाइट इनिशिएट होती है याशनाया के रीजन पे। यहाँ पे टीम नंबर 23 और टीम नंबर 7 के बीच ये बहुत ही अच्छी फाइट इनिशिएट होती हुई दिख रही है। TGP नूब यहाँ पे अपने टीम के लिए अकेले खड़े होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक AKM है जिसके अंदर 32 MO था, एक नॉक दिया और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा नंबर टीम नंबर 7 को टीम नंबर 23 के द्वारा। यहाँ पे रोजॉक के रिच के रीज़न पे बहुत ही अच्छा क्लस्टर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 3 स्क्वाड एक साथ फाइट इनिशिएट करते हुए दिख रही है। यहाँ पे टीम नंबर 4 के एक प्लेयर नॉक आउट पड़े हुए हैं। यहाँ पे DP28 से BH हंटर थर्ड पार्टी करते हुए और किल सिक्योर करते हुए दिखते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 बंदे हैं टीम नंबर 20 के जो कि फाइट इनिशिएट कर रहे हैं थर्ड पार्टी। और यहाँ पे टीम नंबर 9 के स्काउट के ये फैन लग रहे हैं मेरे को और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉक कर दिए गए हैं यहाँ पे BH के हंटर द्वारा। यहाँ पे DP के उस बर्ड से नॉक कर दिया गया है। एक और नॉक आ सकता है BH हंटर द्वारा, देखते हैं क्या ये नॉक आ जाएगा। और क्या ही बेहतरीन नॉक दिया है टीम नंबर 20 के BH हंटर द्वारा। BH अल्फा और BH हंटर अपनी टीम के लिए लास्ट 2 मैन सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे BH हंटर ने जो नॉक दिया था वो अल्फा ने सिक्योर कर दिया है। देखते हैं क्या होता है अब नेक्स्ट। यहाँ पे टीम नंबर 9 के BBC डेविल अपने टीममेट को रिवाइवल दे रहे हैं। रैंडम गाय और BBC डेविल अपनी टीम के लिए आखिरी 2 मैन सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे रिवाइवल दे दिया जाएगा TPP की MKC को जो कि स्काउट के बहुत अच्छे फैन दिख रहे हैं। टीम नंबर 4 के फ्लेम ओपी यहाँ पे नागट यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। टीम नंबर 9 को पिन करके रखा गया है। टीम नंबर 9 के जस्ट रैंडम गाय को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पिन करके रखा है इन्होंने एक पत्थर पे। यहाँ पे टीम नंबर 4 के ये बंदे अच्छा स्नाइपर यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। ये रोजॉक का रीज़न बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे फाइट इनिशिएट होते हुए दिख रही है। तीन स्क्वाड्स अपने में ही फाइट कर रही है। देखते हैं कौन ये फाइट जीत जाएगा और कौन लॉबी जाएगा। जस्ट अ रैंडम गाय अभी भी उसी पत्थर के पीछे पिंड पड़े हुए हैं। टीम नंबर 4 के फ्लेम ओपी काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्नाइपर का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या दिख रहा हूँ, TPP की MKC जो कि नॉकडाउन पड़े थे वो रिवाइव हो चुके हैं और अपना हेल्थ भी अच्छे से हील कर चुके हैं। और एक और बॉडी शॉट लगा है फ्लेम ओपी द्वारा टीम नंबर 9 के बंदे को। काफ़ी अच्छा स्नाइपर का यूज़ करते हुए दिख रहा है ये बंदा फ्लेम ओपी आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे इलाइट चैम्प YT भी आगे बढ़ रहे हैं, फ्लेम ओपी आगे बढ़ रहे हैं। BH हंटर लग रहा है फॉल बैक कर रहे हैं। एक और फाइट इनिशिएट होती दिख रही है याशनाया के रीजन पे। यहाँ पे हॉस्पिटल याशनाया पे जो पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पे ये फाइट इनिशिएट होती हुई दिख रही है। टीम नंबर 23 का एक बंदा नॉकडाउन पड़ा है ब्रोकन वॉल पे। यहाँ पे टीम नंबर 23 के बंदे जा रहे हैं अपने टीममेट को रिवाइव देने। यहाँ पे WB का एक ग्रेनेड आता हुआ और जो बंदा नॉकडाउन पड़ा था उसको सिक्योर कर दिया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ चारों बंदे पुलिस स्टेशन के अंदर हैं और यहाँ पे एक और नॉकडाउन दिया गया है 23 के एक बंदे को WB के ही बंदे के द्वारा। देखते हैं क्या ये फाइट कौन जीत के जाता है, टीम नंबर 23 या फिर टीम नंबर 13।
टीम नंबर 14 भी इस कंपाउंड में आते हुए दिख रही है। वहाँ पे उनको पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पे फाइट इनिशिएट हो रही है। डब्ल्यूबी के फ्लेक्स बॉय द्वारा एक और उजी से नॉक आता हुआ यहाँ पे बहुत ही आसानी से उसको फिनिश ऑफ कर देंगे। ये लास्ट तीन टीमें बची हुई हैं, 9 बंदे सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे एक कैंप चलाते हुए दिख रहे हैं, पर इनका लग रहा है ग्लिच हो गया है। टीम नंबर 15 के एक बंदे को बहुत ही ईजिली नॉक कर दिया गया है, उत्कर्ष नूप को फिनिश ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पे टीम नंबर 12 के एक बंदे को नॉक कर दिया गया है। यहाँ पे 44 की फाइट नज़र आ रही है। यहाँ पे दो स्क्वाड बची हुई है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लस्टर बना हुआ है अश्नाया के रीज़न पे। यहाँ पे 8th जोन चल रहा है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4v4 की फ़ाइट ली जा रही है। एक ग्रेनेड शूट कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर ओपी, देखते हैं क्या ये इस बंदे को नॉक कर देंगे। हाँ, यहाँ पे एक और नॉक दे दिया गया है टीम नंबर 15 के द्वारा, टीम नंबर 12 के ग्लिचर के ऊपर। देखते हैं ये फ़ाइट कौन सी टीम अपने झोली में रख पाएगी जो ये टीम जीतेगी। देखते हैं टीम नंबर 15 यहाँ पे टीपीपी लेते हुए दो बंदे, एक ग्रेनेड आएगा और यहाँ पे इनका खात्मा हो जाएगा। एक बंदे यहाँ पे नॉकडाउन पड़े हुए हैं बॉल पे। आदी ओपी को फिनिश ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे टीम नंबर 12 भी यहाँ पे टीपीपी लेते हुए दिख रहा है। ये बंदा ग्रोजा से एक बंदे को फिनिश ऑफ कर दिया गया और दूसरे बंदे को नॉक कर दिया गया। एक और लेट बॉल यहाँ पे दिख रहे हैं, अच्छा ग्रोजा का प्रदर्शन दिख रहा है। दो बंदे सर्वाइव कर रहे हैं और वहाँ पे आखिरी बंदा डॉट भी सर्वाइव करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखते हैं कौन सी टीम है जो ले जाएगी। यहाँ पे एक अच्छा आईक्यू का गेम दिखा और चिकन ले गई है टीम नंबर 12। यहाँ पे सैन मार्टिन के रीजन से ये लोग जा रहे हैं और एक और स्क्वाड यहाँ पे दिख रही है जो कि जाते हुए दिख रही है। टीम नंबर 22 टीम नंबर 19 और टीम नंबर 22 दिखता हुआ दिख रहा था। इलाइट के फ्लिक द्वारा एक बहुत ही शानदार नॉक आता हुआ यहाँ पे, यहाँ चलती हुई गाड़ी से उतार दिया गया है। यहाँ पे टैप टैप का बहुत ही अच्छा DMR एक्शन दिखता हुआ दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया पैन से इलाइट के फ्लिक द्वारा। यहाँ पे टीम नंबर 12 और टीम नंबर 3 फाइट इनिशिएट करते हुए दिख रही है बहुत ही अच्छा। यहाँ पे चीटर के लॉल को नॉक कर दिया गया जो कि बहुत ही अच्छा स्नाइपर का प्रयोग करते हुए दिख रहे थे। यहाँ पे टीम नंबर थ्री बहुत ही जल्दी ही क्लोजिंग करते हुए दिख रही है। यहाँ पे बहुत अच्छी छोड़ा है एक बंदे को नॉक कर दिया गया चीटर के स्लेयर द्वारा। यहाँ पे एक और नॉक कर दिया जाएगा चीटर के स्लेयर द्वारा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फाइट इनिशिएट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये क्या देख रहा हूँ, टीम नंबर 3 के एक एक बंदे आ रहे हैं और यहाँ पे नॉकडाउन हो रहे हैं और यहाँ पे टीम नंबर 3 को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा चीटर के टीम द्वारा और यहाँ पे इजीली रिवाइव करके ये जोन निकल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा आईक्यू का प्रदर्शन जरूर दिखा रहे हैं। तुमको नहीं पता कि BRDM का हेल्थ बहुत ही कम कर दिया गया है। यहाँ पे BRDM के बाहर आते हुए यहाँ पे एक नॉक जरूर दे दिया गया है और लास्ट मैन सर्वाइव कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, BRDM को फोड़ दिया गया है और BRDM के फूटने से वो जो बंदे अपनी टीम से सर्वाइव कर रहे थे वो डेड हो चुके हैं और टीम नंबर 23 के जो बंदे नॉक डाउन हो चुके थे उनको इजीली रिवाइवल मिल जाएगा यहाँ पे। ऐसा बट नहीं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिटेलिएशन में जीशु दक्षम के द्वारा नॉक आता हुआ एक नॉक दे दिया है। यहाँ पे टीम नंबर 9 का एक बंदा लास्ट बंदे तो स्काउट का फैन है, यहाँ पर बोला स्काउट का फैन है। यहाँ पे डॉट एच भी सर्वाइव कर रहा है जरूर। बहुत ही अच्छा फाइटिंग शीट करे डॉट एफ पी वजह जरूर है बट इन्होंने ये फाइट अपने झोली में रख ली है। बी अवेयर ऑफ सन अपनी टीम से लास्ट में सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेक्टर का प्रयोग करते हुए दिखा, एक लॉक दे दिया यहाँ पे स्कारल से, दूसरा लॉक दे दिया है। यहाँ पे 1v3 का सिनेरियो बनता हुआ बी अवेयर ऑफ सन के द्वारा। यहाँ पे टीम नंबर 16 के वो बंदे पता नहीं क्या कर रहे हैं और यहाँ पे बी अवेयर ऑफ सन ने उस बंदे को 50 HP जरूर कर दिया है। यहाँ पे वेक्टर के रीलोड आ गया है, वेक्टर का रीलोड करके यहाँ पे 1v3 कर दिया बी अवेयर ऑफ सन जो कि टीम नंबर 24 के बंदे हैं और वहाँ बहुत ही ईजिली रिवाइव भी दे देंगे अपने टीममेट को। टीम जो लास्ट सेकेंडरी ले गई थी वो क्या अपना प्राइस पूल जीतने के लिए एक और सेकेंडरी ले पाएगी। यहाँ पे दो बंदे जरूर नॉक पड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जार्विस यहाँ पे खड़े TPP ले रहे हैं, यहाँ पे स्मोक कर दिया गया है उनके द्वारा और 15 के ये बंदे ऊपर जाते हुए दिखे। एक मॉलर टॉप कर दिया गया है, बहुत ही अच्छा IQ का प्रदर्शन ताकि इनको फर्स्ट एड लगाने का टाइम मिल जाए। और यहाँ पे मॉलरटॉप से एक नॉक भी दे दिया गया है यहाँ पे टीम नंबर 23 के बंदों को। यहाँ पे अब ये नीचे कूदेंगे ज़रूर, यहाँ पे 1v1 का सिनेरियो ज़रूर बना हुआ है इनका, ये फाइट लेना चाह रहे हैं। और टीम नंबर 23 के इस बंदे को बहुत ही ईजिली शायद ये मार सकते हैं
पर वहाँ पे टीम 23 के वो बंदे बाहर से आते हैं, डॉच करके उनके एमओ से बच के अपने टीममेट को रिवाइव भी दे देंगे। जीशु दक्षम अपनी टीम के लिए अकेले बचे, यहाँ पे आ जाता है एक एयर ड्रॉप जिसमें है ओम एटेक्स और लेवल 3 का हेलमेट टेस्टर बैग जिसका कोई भी यूज़ अभी नहीं करना चाहेगा। जीशु दक्षम अपनी टीम के तरफ से अकेले बचे हुए, यहाँ पे देखते हैं क्या ये अपनी टीम को एक चिकन डिनर दिला पाएंगे। यहाँ पे चार टीमें बची हुई हैं, 9 बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे सोलो सर्वाइव कर रहे हैं जीशु दक्षम। यहाँ पे बहुत ही अच्छा होल्ड करके रखा हुआ है अपने आप को। टीम 23 के जेन फॉर द विन यहाँ पे प्रोन होके लेटे हुए हैं और ये भी जोन में जाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे टीम नंबर 19 जो है टीम नंबर 23 टीम जीशु दक्षम की टीम और यहाँ पे एक और टीम जिसके बीच में ये लास्ट फाइट बची हुई है। यहाँ पे छठा जोन चल रहा है मीरामार में, सिर्फ 7 ही जोन होते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फाइट इनिशिएट होती हुई दिख रही है। जीशु दक्षम यहाँ पे टीबीबी ले रहे हैं, होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही भयानक डैमेज दिया गया है। यहाँ पे फाइट इनिशिएट होते हुए दिख रही है, एक नॉक आता हुआ दिख रहा है इलाइट की टीम का और रिटेलिएशन में इलाइट वैक्सी वाइटी ने भी एक नॉक दिया है। इलाइट की टीम यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे टीम 23 का एक बंदा ज़रूर नॉकडाउन पड़ा हुआ है। देखते हैं कौन सी टीम आज का ये दूसरा चिकन डिनर ले जाएगी। और टीम 23 के वो जो बंदे नॉक हो चुके थे वो रिवाइव हो चुके हैं और वो भी अपना आराम से जोन में जाने का ट्राई कर रहे हैं। टीम 18 के चारों बंदे सर्वाइव कर रहे हैं। देखते हैं क्या ये टीम 18 चिकन ले पाएगी या फिर टीम 23, या फिर बहुत ही रेयर केस में ये चांस बनता हुआ टीम नंबर 5 जीशु दक्षम ये चिकन ले पाएंगे। 7 बंदे बचे हुए हैं, 3 टीमें बची हुई हैं। यहाँ पे जीशु दक्षम बहुत ही अच्छा आईक्यू का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे बगी में बैठ चुके हैं, ये जोन में जाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, पीछे जाके होल्ड कर रहे हैं और यहाँ से लग रहा है मुझे बहुत ही ईजिली 1-2 नॉक तो दे ही देंगे यहाँ पे से जीशु दक्षम लोअर ग्राउंड पे ज़रूर हैं, बट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जीशु दक्षम उठे, एक नॉक दे दिया है यहाँ पे जीशु दक्षम ने, एक और नॉक ये ईजिली दे सकते हैं जीशु दक्षम पर ये होल्ड करना चाह रहे हैं। एक और नॉक देने का पूरा ट्राई किया है, इनको जोन में भी जाना है, अभी ये जोन में जा रहे हैं। एक और नॉक दे दिया है यहाँ पे जीशु दक्षम का खात्मा होता हुआ, बट यहाँ पे टीम 23 का लास्ट बंदा सर्वाइव कर रहा है। यहाँ पे चारों बंदे ज़रूर हैं टीम नंबर 18 के, बट यहाँ पे 3 बंदे नॉक करके जीशु दक्षम लॉबी गए थे। और देखते हैं एक बंदा जो नॉक डाउन, 3 बंदे नॉकडाउन पड़े हुए हैं, क्या इनको रिवाइव मिल पाएगा। यहाँ पे 3 बंदे ऑलरेडी रिवाइव हो चुके हैं, एक बंदा जो टीम नंबर 18 का है वो फिनिश ऑफ हो जाएगा। 1v3 का सिनेरियो बनता हुआ टीम नंबर 23 के उस बंदे पे, देखते हैं कौन ये चिकन ले जाएगा। 1v3 कर पाएंगे क्या जोश, व्हाट द फक, क्या अजीब नाम है, बट क्या ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं अपने ये जोश WTF। टीम 18 के 3 बंदे, टीम 23 का अकलौता बंदा, देखते हैं कौन सी टीम आज का ये दूसरा चिकन डिनर ले जाएगी। यहाँ पे फायर तो ज़रूर कर रहे हैं टीम 18 के बंदे, पर देखते हैं कौन सी टीम चिकन डिनर ले जाएगी। यहाँ पे ड्रोन व्यू का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बैंडेजेस हैं, इन पे फर्स्ट एड नहीं है, ये बैंडेजेस का प्रयोग करते हुए अपने ऊपर। और देखते ही देखते टीम 18 का एक बंदा ओपन में आता हुआ, यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया, बहुत ही बेहतरीन शानदार नॉक दिया गया है टीम नंबर 23 के द्वारा। एक और नॉक यहाँ पे 1v2 करते हुए, 1v3 लास्ट मैन सर्वाइविंग है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, टीम नंबर 23 ले जाती हुई आज का ये दूसरा चिकन डिनर जिसका नाम है जोश, ये अपनी टीम के लिए 10 किल ले गया है। बहुत ही बेहतरीन खेला है।